FIR 7। सर जब आपने पहले एज ए CTO लाहौर काम किया, फिर DIG ऑपरेशंस लाहौर भी काम किया, आपकी बलूचिस्तान में भी पोस्टिंग रही है, आपको क्या लगता है कि कौन सी पोस्टिंग आपकी सबसे अच्छी रही, या आपने वहाँ पे सबसे बेहतर काम किया होगा, या आपको ऐसा लगा होगा कि वो आपने एंजॉय की पोस्टिंग? देखें, पुलिस जो है ना, ये इट्स वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ जॉब। तो वंस यू आर अ पुलिसमैन, पुलिस ऑफिसर, आपका वो कहते हैं ना कि इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड एंड इट्स द वे इट स्टार्ट्स गेटिंग इनटू योर ब्लड एंड इट्स एवरीथिंग बिकॉज यू आर इनटू इट 24/7। तो आप अगर कोई टीवी भी देख रहे हैं घर जाके, तो वो भी फिर आपको कोई ना कोई आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से कुछ चीज़ आपको याद आ रही होती है और आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं। मेरा जो सबसे जो चैलेंजिंग टेन्योर था वो बलूचिस्तान में था, और मैंने बलूचिस्तान में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी और मुझे 2 मेडल्स भी बलूचिस्तान में मिले, और उसके बाद मुझे सितारा शुजात भी वहीं से रिकमेंड हुआ था। तो इट वाज अ ग्रेट चैलेंज, देयर वाज अ लॉट ऑफ टेररिज्म आल्सो जो आई हैड टू फेस। और उसके बाद फिर मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद को बी से ए एरिया कन्वर्शन जो थी, दैट वाज वन ऑफ माय बिग अचीवमेंट्स जो आज तक सस्टेन करती है, और अभी नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट इज़ दी ए एरिया डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो अचीवमेंट थी, इट वाज ऑल सर्विस बेस्ड। जब मैं वहाँ पे DPO था, तो द वे I handled problems of the people. People came to me कि जी we want police and not levies. क्योंकि बलूचिस्तान में आपको पता ना कि 2 systems हैं policing के, एक पुलिस है और दूसरा levies होते हैं। तो ये पहले levies district था, police के सिर्फ 4 थाने थे। तो जब लोगों ने देखा कि policing standards levies से बहुत बेहतर थे, तो लोगों ने demand किया कि जी हम police बनना चाहते हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पुलिस ही होनी चाहिए, लेवीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो लोगों की डिमांड पे फिर जो है वो उस कन्वर्शन हुई उस डिस्ट्रिक्ट की। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आई फेल्ट रियली ग्रेट दैट पीपल एक्चुअली केम टू मी एंड आस्क्ड मी कि जी वी शुड हैव द पुलिस थानास रादर देन द लेवीज़। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी कमेंडिंग एक्सपीरियंस था, और उसके लिए ऑब्वियसली मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी, बहुत खुली कचहरियाँ करनी पड़ी, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ, और लोगों ने महसूस किया कि लोग मुझे कहते थे अगर ये पुलिसिंग है तो हमें पुलिस चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट में। सर, आपकी तबीयत जैसी मालूम होती है, उससे आपकी एक और रेपुटेशन भी विद इन द डिपार्टमेंट जो एक आपके बारे में बात की जाती है कि आप ना सिर्फ बींग CSP पुलिस ऑफिसर, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब इन आर कंट्री, बींग अ पुलिस ऑफिसर एंड दे आर इवन कंसिडर्ड टू बी वेरी फुल ऑफ प्राइड, बट आपको देख के बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा। डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए भी बाकी जो CSP क्लास है, यूजली वो रैंकर्स को या फिर जो नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं अफसर्स को, इतना उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखते या फिर उनके साथ काम नहीं करते, पर आपकी रेपुटेशन ये है कि आप रैंकर्स को भी जो है वो बहुत अपने साथ काम भी करते हैं, उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, उनके लिए आवाज़ भी उठाते हैं, और आपकी CSP क्लास ही जो है वो अक्सर आपको भी इस बारे में कुछ ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है बात। ये जो 2 डिविजन्स हैं डिपार्टमेंट के अंदर, और आप इसमें एक बहुत ही न्यूट्रल रोल प्ले करते हैं, और उस जो रैंकर्स हैं उनका भी बड़ा सपोर्ट करते हैं, मुझे तो मालूम हो रहा है आपकी गुफ्तगु से कि क्या वजूहत है उसके पीछे, पर ज़्यादा लोग नहीं समझ पा रहे होंगे आपसे। It does not matter if he's from PSP or she's from PSP or he's from the ranks or she is from the ranks. Dekhiye, police is not a force, what people think. It is a service. Ye bhi bada important hai ye baat ko realize karna ki ye service hai. Hum fauj nahi hai, hum police hai. Although we wear uniform, although aapke haath mein weapon bhi hai, lekin aap hain basically service, jaisa ki Wapda hai, jaisa ki Sui Gas hai, या जैसे सड़कों की सर्विस होती है या बाकी जो सर्विसेज हैं, ठीक है। यू आर कॉल्ड ऑन दी 15, आपको जिसको ज़रूरत होती है आपको 15 पे कॉल करते हैं, आप पहुँचते हैं वहाँ पे। दिस रिस्पॉन्स ऑन समबडीज नीड और समबडीज कॉल ऑन 15 मेक्स इट अ सर्विस। तो
मैं तो कभी भी नहीं समझता कि पुलिस फोर्स, मैंने मेरे लफ्ज़ या मेरे मुंह से कभी किसी ने ये लफ्ज़ नहीं सुना होगा कि पुलिस फोर्स, मैं हमेशा ये कहता हूँ पुलिस सर्विस, इट्स अ सर्विस, एंड मेरे लिए दे आर ऑल इक्वल, डजंट मैटर लाइक इफ देयर पीएसपी और देयर फ्रॉम द रैंक्स, द पीपल हु आर प्रोवाइडिंग अ गुड सर्विस टू द पीपल. तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस सर्विस इज द क्राइटेरिया. और दूसरी बात यह कि कोई भी कमांडर जब तक इस बात को रियलाइज ना करे कि योर सबॉर्डिनेट्स और योर जूनियर्स आर एक्चुअली योर आर्म्स एंड योर लेग्स एंड योर आईज एंड योर ईयर्स. तो आप जो कुछ भी आप देखें ना, मैं तो अकेला आदमी इस पूरे लाहौर की सेंस को या फीलिंग्स को या लाहौर के जो इश्यूज हैं उनको मैं परसीव नहीं कर सकता, ना मैं उनको देख सकता हूँ, ना मैं उसको महसूस कर सकता हूँ, बिकॉज मैं तो ऑफिस में हूँ या थोड़ा बहुत मेरा इंटरेक्शन लोगों के साथ होता है. तो ये आपके आपकी जो जूनियर कमांड है फ्रॉम दी सी सी पी ओ टू दी कॉन्स्टेबल, ये वो सारी की सारी सपोर्ट सिस्टम आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो हु आई एम इज़ बिकॉज ऑफ माई जूनियर्स. और जब तक आपकी जूनियर्स आपको सारी इन्फॉर्मेशन और वो सपोर्ट सिस्टम जब तक प्रोवाइड नहीं करते, यू कैन नॉट बी अ गुड सी सी पी ओ. एंड इन ऑर्डर टू गेट दी बेस्ट सपोर्ट, यू हैव टू मोटिवेट दैम एंड यू हैव टू ट्रीट दैम, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, उनके लिए जिसने अच्छा काम किया है उसको रिवॉर्ड करना है, और जिसने बुरा काम किया ऑब्वियसली यू हैव टू पनिश हिम ऑल्सो. तो ये जब तक आप एक जस्टिस बेस्ड ये रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट नहीं करते, मैं तो कांस्टेबल को भी कहता हूँ कि मेरे सामने कुर्सी पे बैठ के बात करे. तो इसलिए कि मेरी फिलॉसफी बहुत सिंपल है, फिलॉसफी ये है कि जब आप किसी को इज्जत देंगे तो वो आगे लोगों को इज्जत देगा. आपने शायद वो ड्रामा देखा होगा, वो जो बहुत पुराना था जिसमें वो एसपी थानेदार को डांटता है इंस्पेक्टर को, और वो फिर वो ट्रांसफ़र करता जाता है नीचे तक, और एंड पे जो है ना वो एक आम शहरी तक वो सारी की सारी डांट पहुंच जाती है. तो ये एक शराफत का और ह्यूमैनिटी का कल्चर क्रिएट करना, दिस इज़ वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सी सी पी ओ. राइट सर. ठीक है, कि आप जब तक पुलिस ऑफिस के अंदर, पुलिस ऑफिसर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं करते कि ह्यूमैनिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर and they have to consider everybody as a human. aap jab logon ko inhumanely treat karenge to wo bhi phir aage logon ko inhumanely treat karenge. to in my experience it has paid me dividends. maine dekha hai ki logon ke police walon ke ravaiyon mein aur behavior mein maine bahut tabdili dekhi hai. jab main logon ko proper respect ki baat kar raha hu, rather than treating them as like you know the सब स्पीशी और समथिंग, तो वो आगे ये ट्रिकल डाउन होती हैं चीज़ें. आप लोगों को गालियाँ देंगे तो लोग आगे फिर ट्रांसफ़र करते जाते हैं, ये दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर. तो मैं समझता हूँ कि अपने पुलिस की जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी ऑफिशल्स हैं, उनको सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए ताकि वो लोगों को आगे फिर जाके रिस्पेक्ट कर सकें, एंड देट इज़ द बेस्ट सर्विस डिलीवरी. आपसे पहले लाहौर के सी सी पी ओ रहे उमर शेख साहब, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी में पड़े, पर कहीं ना कहीं आप भी लाइमलाइट में रहे. उस पे बात करना चाहेंगे कि क्या वजह ऐसी बनी कि पॉलिटिकली आपको डैमेज करने की कोशिश की गई, आपकी जॉब को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, क्या वजह है कि फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट आपको लेके इतनी ऑब्सेस्ड है? नहीं, एक तो ये है कि मेरा जो केस है वो इट इज़ सब जूडिस, तो इस पे मैं शायद बात करना इज्तनाब करूँगा कि इट्स इन द कोर्ट. तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब आप परफॉर्म करते हैं पुलिसिंग का, मैंने आपको बताया था ना कि जॉब इस तरह की है कि देर आर टू पार्टीज, वन इज़ अग्रीव्ड, द अदर वन इज़ अग्रेसर. अब जब आपने एक पार्टी को रिलीफ देना है तो दूसरी पार्टी ने ऑब्वियसली दे विल टर्न अगेंस्ट यू. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन पॉलिटिक्स और इन पोलिटिकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, दो पार्टीज़ की बात करता हूँ, क्रिमिनल एंड दी. तो देखें, वो जो कहते हैं ना कि पुलिस से सब लोग राज़ी नहीं होते, इसलिए नहीं राज़ी होते कि अगर 50% अग्रीव्ड है और 50% वो है, तो अग्रेसर को तो आपने, चूंकि आपने उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो वो तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, आपको बुरा भलाई कहेगा. तो अग्रीव्ड भी जो है उसकी भी तकरीबन 50% जो है ना उसकी कंप्लेंट के अंदर कुछ फजिंग होती है. तो आप कहते हैं कि यार ये तुमने बीच में, यहाँ तक तो जो तुम्हारे साथ क्राइम परमिट हुआ है, ज्यादती हुई है, लेकिन आगे नहीं हुई.
तो वो भी थोड़ा सा आपसे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहता, क्योंकि हमारे यहाँ FIR के अंदर जो लोग वो एक्सेसिव चीज़ें भी लिखवा देते हैं अगर, तो उसमें फिर उसमें भी थोड़ा सा वो एक वो जो एंगर आ जाती है कि जी मैंने जो कुछ कहा था, क्योंकि प्रॉब्लम हमारा ये है हमारी सोसाइटी का कि हम लोगों को जस्टिस चाहिए अपनी मर्जी की, हम ये चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वही मुझे जस्टिस मिले, लेकिन कानून की नज़र में ऐसे नहीं हो सकता और ना ही होता है। तो एज अ गुड पुलिस ऑफिसर यू नीड टू डिटरमिन कि इसके साथ कितनी जस्टिस और किस तरह से होनी चाहिए। तो इसलिए लोग जब अगेंस्ट हो जाते हैं फिर जाहिर सी बात है फिर बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं बदमाशों की बात करता हूँ या कब्जा ग्रुपों की बात करता हूँ, तो ये सारे के सारे बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इनके। सर माजी में आप पे एलिगेशंस लगाए गए कि आप लैंड माफियाज को सपोर्ट करते थे, जबकि आप देखा जाता है कि आप ही सबसे ज्यादा एक्शन लेते हैं लैंड माफियाज के खिलाफ। देखिए मैंने जब अपने पिछले टेन्योर में मैंने तकरीबन 350 के करीब प्रॉपर्टीज वागुजार करवा के लोगों के हवाले की थी, उसमें मेरा क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल था कि बेवा हो, यतीम हो, और उसके बाद 16 ग्रेड से नीचे का गवर्नमेंट या प्राइवेट मुलाजिम हो, ऐसे लोग जिनकी जिन्होंने एक प्लॉट लिया था अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए कि आज हम 20 लाख का प्लॉट ले रहे हैं तो 15 साल के बाद ये 1 करोड़ का हो जाएगा, तो मैं ये बेच के अपनी बच्ची की शादी कर लूँगा, और उसके ऊपर अगर कोई कब्ज़ा कर लेता है तो ये फिर आपके लिए बहुत बड़ा जो है यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। तो इस तरह के तकरीबन, तो ये मैंने अंदाज़ा लगाया था उस वक्त, हमने कैलकुलेट किया था कि ये तकरीबन 50 बिलियन यानी कि 50 अरब रुपए की से ज़्यादा की प्रॉपर्टियाँ हमने लोगों को वागजार करवाई की थी उनके। आपको सितंबर में आपको क्या लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट की जाने से आपको सस्पेंड करने की कोशिश की गई? मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि वो दैट इज़ अ सब जुडिस मैटर। तो एक गरीब और शरीफ आदमी की इज्जत की हिफाजत करना और उसको उसके राइट्स वापस दिलाना, जाहिर सी बात है आपने किसी अमीर आदमी से लेके देने होंगे ना, तो वो फिर अमीर आदमी आपके जाहिर है दे विल टर्न अगेंस्ट यू, तो वो फिर आपके मतलब चीज़ें आपके बारे में कहेगा और ये वो सारा कुछ। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि जब आप किसी की हेल्प करते हैं और ख़ास तौर पर किसी गरीब और शरीफ आदमी की, तो वो आपके लिए दुआ ज़रूर करता है और वो दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है, और ये दुआ एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, बहुत बड़ा ये एक डिफेंस है मैं समझता हूँ। इट्स अ वेरी इट्स अ ह्यूज प्रोटेक्टिव लेयर ऑन यू कि अगर आप अच्छे डीड्स हैं आपके, आप लोगों की हेल्प करते हो ख़ास तौर पे शरीफों की और गरीबों की, क्योंकि वो ऑलरेडी पिसे हुए हैं, और एक शरीफ आदमी गरीब आदमी वो सारा वक्त जिहाद करता है अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने के लिए, और अगर उसके साथ ज़्यादती हो जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि यू हैव टू स्टैंड अप। क्योंकि देखिए ना, एक बंदे का मोबाइल छिन जाता है फॉर एग्जांपल, या मोबाइल फ़ोन 10-20-50 हज़ार का होगा, लाख का होगा, 2 लाख का होगा, जिसका प्लॉट पे कब्ज़ा होता है वो 1 करोड़ का होगा। ये तो ये जो सेमाई वाइट कॉलर जी जो क्राइम है ना, दैट्स वेरी यू नो यू नीड टू वर्क ऑन दिस। क्योंकि हम छोटी सी वारदात होती है, स्ट्रीट क्राइम होता है, तो हम उसके पीछे दौड़ना शुरू हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक गरीब आदमी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती होती है कि उसके प्लॉट पे कोई कब्जा कर लेता है और वो एक ही गो में वो उसको 1-2 करोड़ रुपए से उसको डिप्राइव कर देता है, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर हम फिर कहते हैं ये सिविल मैटर है और ये अदालतों में लोग जाएँ और अदालतों में जाके उनको फिर बड़ा टाइम भी लोगों का वहाँ पे। सो फॉर द सेक ऑफ क्राइम कंट्रोल और कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर, तो एक पुलिस अफसर जो होता है एक आपके स्टेचर का, उसकी यकीनन मुलाकात भी होती रहती है पॉलिटिकल लोगों से भी, ही गेट्स टू मीट द चीफ मिनिस्टर एज वेल, मल्टीपल टाइम्स आपकी मुलाकातें होती होंगी। चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही के साथ आपका ताल्लुकात के बारे में बड़ी पॉपुलैरिटी हुई, कंट्रोवर्सी बनी कि आपके उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कुर्बत है आप दोनों की बहुत ज़्यादा, इस पे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मेरे सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, ख़ास तौर पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक हो, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने इलाके के वोटर्स एंड सपोर्टर्स को। तो एक आदमी जो इंडिविजुअल जो है पार्लियामेंटेरियन, उसने तकरीबन 1-2 लाख लोगों के वोटर सपोर्ट होती है उसकी, तो मैं उसको एक आदमी कभी समझता ही नहीं हूँ कि ही इज़ वन सिंगल मैन और वुमेन। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि ये 1-2 लाख लोगों का एक नुमाइंदा है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको कम अज़ कम इज़्ज़त जो है वो 1-2 लाख लोगों की मिलनी चाहिए। ये एक अलहदा सब्जेक्ट है,
कि किसी का कोई पर्सनल कंडक्ट क्या है या क्या नहीं है, बट एज फार एज अ पार्लियामेंटेरियन उनकी जो हमारे लिए वो बहुत काबिल कदर है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, एज लॉन्ग एज ए नो कि दिस पॉलिटिकल लीडर हैज़ अ सर्टेन सपोर्ट और लोगों की सपोर्ट है, तो मैं उसको, लोगों ने इलेक्ट किया है, लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, उसको वोट्स दिए हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि उनकी वो हमारे लिए बहुत ऑनरेबल हैं और हमें उनकी इज्जत इसलिए करनी चाहिए कि ही इज़ नॉट एन इंडिविजुअल, ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव एंड ही रिप्रेजेंट्स मे बी 100,000-200,000 पीपल. यस राइट सर. So now, keeping a light that right now we have the government of PTI and Kafli in party, तो पंजाब में इस वक्त एक किस्म की PTI की ही हुकूमत है. But आपने देखा कि पहले लॉन्ग मार्च में जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर एक कातिलाना हमला हुआ, उसमें उन्होंने क्लेम किया कि उनको 4 गोलियां लगी. आप बींग अ पुलिस ऑफिसर एंड आई हर्ड दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन टीम इज़ वेल, आपको लगता है अभी जो रिपोर्ट आई है वो कहती है कि उनको गोलियां नहीं लगी? उनको गोलियां लगी, उनका क्लेम है, उसमें डीपीओ इन्वॉल्व थे गुजरात के, उनका क्लेम है. देखिए अगेन दिस इज़ आल्सो सब ज्यूडिस मैटर केस जो है अभी कोर्ट में, ATC कोर्ट में, तो इस पे भी मैं पब्लिक कमेंट्स नहीं देना चाहूँगा. लेकिन एज़ फार एज़ ज़ख्मी होने की है तो जो चेयरमैन PTI इनको 3 गोलियाँ और 4 फ्रेगमेंट्स जिसको हम कहते हैं वो उनको थे, क्योंकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट बड़ी देखी नहीं, मैं तो देखी हुई है उसको, और मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि देर वर 3 बुलेट वाउंड्स एंड 4 फ्रेगमेंट्स. सर क्या उस JIT का हिस्सा है? अब उसके बारे में मैंने कोई कमेंट नहीं करते. सर इतनी टफ सर्विस करते हुए भी बड़ा एक साइकोलॉजिकली भी बड़ी प्रेशराइजिंग जॉब है पुलिस, फिर भी आप इतने फिट मालूम होते हैं, क्या आपकी फिटनेस का राज क्या है? फिटनेस का राज बिल्कुल कोई नहीं है. जब आप CCP होते हैं तो फिर आपके पास कोई एक्सरसाइज और जिम और वॉक और रनिंग जॉगिंग की आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. मैं वैसे ज़ाती तौर पे आई एम अ वेरी गुड हॉर्समैन और मुझे राइडिंग का बहुत शौक भी है और मैं पोलो भी खेलता हूँ, लेकिन जब आप CCP होते हैं तो इतना टाइम नहीं निकलता कि आप यू शुड गो. बट मैंने थ्रू आउट माई लाइफ आई बीन लाइक यू नो वेरी एक्टिव एक्टिव पर्सन इन स्पोर्ट्स एंड पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ ना कि आई एम अ वेरी गुड हॉर्स राइडर. तो राइडिंग जो है ना इट सेल्फ इज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज ऑल्सो, बट इट्स अ ब्यूटिफुल पास टाइम. ये आपके माइंड को बिल्कुल रिफ्रेश कर देता है. तो जब भी मुझे मौका मिले तो डेफिनेटली मेरा सबसे पहला ये होता है कि मैं पोलो ग्राउंड जाऊँ या अपने पुलिस के जहाँ पे हमारा वो पोलो हमारा पुलिस ग्राउंड है वहाँ पर जाके बस घोड़ों के साथ खेलूँ और एंड राइड द हॉर्सेस. राइट सर. सर प्रोग्राम के आखिर में पब्लिक के लिए फॉर द यूथ कोई बात करना चाहेंगे, बिकॉज विद द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ यंगस्टर्स, तो यंगस्टर्स को कोई पैगाम देंगे और हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाएंगे. सर नौजवानों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि उस कोई भी मुल्क सोसाइटी उस तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, और आप चूँकि मुस्तकबिल हैं पाकिस्तान के तो मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि आपको रूल ऑफ लॉ की इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और रूल ऑफ लॉ के लिए जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट है पर्टिकुलरली पुलिस की मैं बात करता हूँ तो आप उनके साथ तावन करें और बी अ वॉलंट्री पुलिस ऑफिसर. आई वुड इंडक्ट यू इनटू पुलिस एज अ वॉलंट्री पुलिस ऑफिसर. आप हमारे साथ पुलिसिंग में शामिल हों, आप हमारे साथ जो है वो मैं आपको पेट्रोलिंग में और पुलिस की जो हमारी गश्त होता है या और बाकी की जो पुलिस एक्टिविटीज़ हैं आई वुड इन्वाइट यू टू यू शुड कम ओवर एंड सी वट द पुलिस हाउ द पुलिस वर्क्स. और सोसाइटी ये हमारी माँ की तरह है, ये मुल्क हमारी माँ है और इस मुल्क के लिए आई थिंक वी ऑल नीड टू डू वट एवर नीड्स टू बी डन कि हम इस अपनी माँ की सोनी धरती की तरक्की के लिए इसकी हिफाजत के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए. हमें अपने पर्सनल गेंस की बजाय पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए. थैंक यू.